सब्सक्राइब हरियाणा बीट्स एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। देखें हरियाणवी गानों के साथ साथ अपने पसंदीदा शोज। Hey guys, this is Gaurav और मैं जी कहानियां सुनाता हूँ। जी हाँ, इस शो का नाम है डियर डायरी और खूबसूरत सी कहानियां आप लोग मुझे भेजते हो और मैं आप ही की कहानियां आप तक पहुँचाता हूँ। तो अगर आपके पास कोई भी अच्छी सी कहानियां हैं, वो रोमांटिक भी हो सकती हैं, इमोशनल भी हो सकती हैं, मोटिवेशनल भी हो सकती हैं, आप मुझे भेजें और मैं आप ही की कहानियां लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज एक खूबसूरत सी कहानी के साथ। नाम है मेरा मीनू। मैंने स्कार्फ लपेटा हुआ है और किसी के घर के बाहर खड़ी हूँ। कोई और दिन होता तो आज मैं आराम से धूप सेक रही होती लेकिन कभी कभी होता है ना कि इंसान कहना कुछ चाहता है, करता कुछ है और हो कुछ जाता है। फिलहाल ये स्वाति का घर है। जैसे ही मैंने घर की बेल बजाई तो अंदर से एक लड़की ने मेरा स्वागत किया। उसकी मेड थी, आंटी अंकल नहीं थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं इत्मीनान से यहाँ पर 2-4 दिन बिताऊँगी। वो लड़की मुझे देख रही थी लेकिन मेरे चेहरे पर स्कार्फ लगा हुआ था, गॉगल्स लगी हुई थी, तो वो मेरा चेहरा पहचान नहीं पाई। लेकिन जैसे ही मैं अंदर एंटर हुई, मैंने अपने फेस से सब कुछ उतार दिया। एक बार तो वो मुझे देखकर डर गई। उसका डरना भी लाजमी था क्योंकि मेरे चेहरे पर थोड़े घाव थे, थोड़े खून के निशान थे जो उसको शायद अच्छे नहीं लग रहे होंगे। उसे लग रहा होगा कि ये आखिर हुआ क्या इसके साथ। खैर, मैं आकर बैठ गई और बेड पर बैठते ही मैंने इत्मीनान की सांस ली, 2 पेन किलर गट की और थोड़ी देर के लिए सो गई। शरीर की जो चोट होती है ना, वो शायद थोड़े टाइम के बाद आपको आराम दे दे, लेकिन जो मन के अंदर गहरी चोटें लगी होती है ना, उनसे निकल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं सोकर उठी तो देखा कि फ़ोन पर 24 मिस कॉल, वो भी मोहित की। मोहित, 2 साल पहले हमारी शादी हुई थी और मैं और मोहित बहुत अच्छी ज़िंदगी बिता रहे थे, लेकिन अचानक से उसके बिहेवियर में चेंज आने लग गया। यूँ तो अक्सर लोग कहते हैं कि शादी के बाद थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, मनमुटाव भी होते हैं, लेकिन हम दोनों के बीच थोड़ा अजीब सा फासला होने लगा था। हम दोनों की शादी भी कोई अचानक से नहीं हो गई थी। हमने थोड़ा टाइम एक दूसरे को डेट किया, घर वालों की डांट खाई, खूब मुश्किलात के बाद आखिरकार मैंने शादी कर ली। शादी के बाद कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन थोड़े दिनों बाद मुझे मोहित का जो नेचर है, बिहेवियर है, वो अलग सा लगने लगा। मुझे लगा कि शायद ये इंसान वो इंसान नहीं है जिससे मैंने प्यार किया था। उसकी हरकतें बदलती जा रही थी, वो मुझे बात बात पर डांटने लगा था, मेरा जॉब करना उसे खटकने लगा था। लेकिन मैं, वो कहते हैं ना कि जब आप प्यार में होते हैं तो सिर्फ प्यार में ही होते हैं, और मैं उसकी हर बात मानती रही। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने उससे बात करना कम कर दिया, उसकी हर बात पे हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिया। मैं जो इतनी खुशनिवार, इतना घूमना पसंद करने वाली लड़की, उसकी हाथों की कठपुतली बनकर रह गई। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये भी सब अच्छा लगने लग गया था। वो एक पल मुझे डांटता, दूसरे ही पल मुझे बाहों में समेट लेता, मुझसे बात करता, मुझसे माफ़ी मांगता, मुझसे प्यार करता, तो मुझे अच्छा लगता। मुझे लगता कि कुछ भी है, मुझसे प्यार तो करता है ना ये। लेकिन मैं आज भी सोचती हूँ कि जब उसने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया था तो मुझे उसे छोड़ देना चाहिए था, छोड़ देना चाहिए था उसका ये घर और अलग से रहने लग जाना चाहिए था। लेकिन हम इंडियंस की ना थोड़ी सी मजबूरी होती है, हम जिंदगी को ज़िंदगी के उस हिसाब से जी ही नहीं पाते हैं जिस हिसाब से हम एक दूसरे का साथ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें समझने वाला हो, लेकिन ये ज़िंदगी हमें उल्टा कर देती है। हमें सब कुछ शायद किश्तों में मिलता है, कोई हमें प्यार करता है वो किश्तों में, कोई हमें समझता है वो भी किश्तों में, और कोई हमारा साथ देता है वो भी किश्तों में। खैर, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया तो मैंने उसका फ़ोन उठा लिया। उसने मुझे कहा कि आ गई है चोट खाकर। मैंने उसे कहा, यार तू भी ना कमाल करती है। उसने कहा कि मम्मा डैडी 1-2 दिन में आ जाएंगे। मैंने कहा, तुमने बता दिया उन्हें? उसने कहा, हाँ बता दिया, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कभी भी इस बात पे स्टैंड नहीं लोगी कि तुम उसे छोड़ दोगी। मैंने कहा, यार तुझे पता है ना कि वो मुझे बहुत प्यार करता है, देख अभी भी उसकी 23-24 मिस कॉल्स आई पड़ी हैं। उसने मुझे डांट लगाते हुए कहा, मिस कॉल से कुछ नहीं होता है, तुम क्यों नहीं समझती हो कि तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए, उस इंसान में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उसने मुझे ये बात कही तो मुझे ये एक टीन सी चुभ गई।
मैंने कहा यार ऐसे क्यों बोल रही है तू, मुझे तेरे से भी बात नहीं करनी है। मैंने फ़ोन रख दिया। लेकिन क्या उसने जो बात कही वो बात सही थी या गलत, ये बात अभी भी मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं अपने मम्मा डैडा को फ़ोन करना चाहती थी लेकिन इस बात को उन तक बताना भी नहीं चाहती थी। मैं शांत हो गई, मुझे लगा कि नहीं अब उनको ये बात नहीं बताऊंगी। एटलीस्ट उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी है और मैं जब भी उनके पास जाती हूँ वो हमेशा मुझे कहते हैं अगर तुझसे नहीं रहा जाता तो इस लड़के को छोड़ दे तू। लेकिन हर बार मोहित मेरे पास आते हैं, मुझे मनाते हैं, प्यार करते हैं और मुझे साथ ले जाते हैं। क्या करूँ, शायद कभी कभी ना हम लोग आदि हो जाते हैं चीज़ों के, हमें आदत हो जाती है कि हम उस इंसान के साथ रहते भी हैं, लड़ाई भी करते हैं, मार भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन वही ये बात है ना कि ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती है। मुझे आज भी याद है हमारे वो MBA का फाइनल ईयर, जब उसने मुझे प्रपोज़ किया था तो उसने मुझे कहा था कि मैं ज़िंदगी में तुम्हारी आँखों में कभी आंसू नहीं आने दूँगा। बट अब ये बात मुझे रह रह कर खाती है। मुझे लगता है कि वो इंसान कैसे इतना बदल गया। वो एक इंसान था जो मेरी आंखों में से एक आंसू भी नहीं देख पाता था और आज देखो वो इंसान मुझे पीठ तक देता है, मुझ पे हाथ तक उठा देता है। खैर मैंने खाना खाया और आराम से सो गई। अगले दिन सुबह उठी तो फिर से मोहित की 10-15 मिस कॉल्स, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि हर किसी चीज़ का जवाब देना भी सही नहीं होता। अब मुझे लगा कि शायद वो टाइम आ गया है कि मुझे फैसला ले लेना चाहिए, मुझे शायद उससे अलग हो जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी होता है ना कि हम चाहते भी हैं अलग होना और हमारी इनर कॉन्शियस जो होती है वो कहती है कि नहीं यार शायद यही रिश्ता मेरे लिए बना है, आगे क्या होगा क्या पता, है ना, आगे कैसा इंसान मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, फैमिली पे बोझ बन जाऊंगी, जॉब कर पाऊंगी या न कर पाऊंगी। तो ये सब बातें मुझे झंझोर रही थी, मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट टू डू। तो मैंने सोचा चलो ज़िंदगी जैसे चलती है उसे चलने दें, कभी कभी ज़िंदगी को गो विद फ्लो भी करना चाहिए। लेकिन हाँ एक बात का मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं उसके साथ तो एटलीस्ट नहीं जाऊँगी, एटलीस्ट कुछ दिन इस बार उसे पक्का सबक सिखाऊंगी। मेरी मम्मा का फ़ोन आया तो मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं अपनी दोस्त के घर हूँ, मैंने उन्हें कहा कि मैं घर पर हूँ। उन्होंने हालाँकि मुझसे पूछा भी कि मोहित कैसे हैं, वो आपके साथ बिहेव अब कैसा कर रहे हैं, तो मैंने उन्हें बस यही कहा कि मम्मी परफेक्ट फाइन है, अब हम लोग ज़िंदगी अच्छे से बिता रहे हैं। तो माँ ने कहा कि तुम बेबी प्लान क्यों नहीं करते हो, अगर तुम बेबी प्लान कर लोगे ना तो तुम्हारी ज़िंदगी जो है थोड़ी सी आसान हो जाएगी, तुम उसके साथ दिल लगाने लगोगी, तुम्हारा टाइम अच्छा पास हो जाएगा और इवन मोहित भी जब घर पे आएंगे तो उसे भी कोई आवाज़ सुनाई देगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। कभी कभी इंसान कितना मतलबी हो जाता है ना, हम सोचते हैं कि हाँ ये होना चाहिए लेकिन क्या करें, ज़िंदगी जो है ना ये कभी सोचने पे या फिर कहते हैं ना कि फलसफे पे नहीं चलती, ये कब कैसा कौन कहाँ सा मोड़ ले ले कुछ पता नहीं लगता। तभी मेरे पास मेड आ गई, उसने कहा दीदी क्या खाओगे, मैंने कहा कुछ भी बना लो अच्छा था। वो बड़ी स्वीट सी मेरे पास बातें कर रही, बैठे बैठे बातों बातों में उसने पूछ लिया कि दीदी आपका मर्द भी आपको पीटता है क्या। मैं भौचक्की रह गई, मैंने कहा तुम ये क्यों पूछ रही हो मुझसे। उसने कहा मेरे साथ भी ऐसा होता है, मुझे भी बहुत बार पीटा गया है और मुझे ये पता है कि आपके जो लोग होते हैं, आपके मर्द लोग होते हैं, वो तो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत सयाने होते हैं, फिर आपको क्यों पीटा उसने। हमारे वाले तो चलो पढ़े कम लिखे होते हैं और शराब बहुत पीते हैं, शायद मुझे लगता था इस वजह से वो मुझे मारते हैं। तो मैंने उसे ये कहा कि देखो ये पढ़े लिखे होने या अनपढ़ की बात नहीं है, ज़िंदगी में जो चीज़ें आपको मिल रही होती हैं ना वो शायद आपके पुराने कर्मों का फल है या फिर यूं कहें कि आप उसको अपने आप पर हावी होने देते हो। तो उसने मुझे बड़ी एक अजीब सी बात की, उसने कहा दीदी देखो ऐसा है कि एक बार मेरे मर्द ने मुझे बहुत पीटा, उसके बाद मैंने भी उसको पीटा, अब ना तो वो मुझे पीटता है और ना ही मैं मार खाती हूँ। मैं उसकी बात सोच रही थी, मैं सोच रही थी कितना आसान होता है ना ज़िंदगी में, कभी कभी हम कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि सामने वाला समझ जाता है। मैं उसकी बात समझ चुकी थी लेकिन हिम्मत जुटाना बहुत बड़ी बात थी और फिर भी मुझे ये लग रहा था कि नहीं एटलीस्ट मैं ऐसा तो नहीं कर पाऊँगी और मैं बस चुपचाप खाना खाकर बैठ गई। मुझे फिर मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया और उसने मुझे बस यही कहा तू कभी भी नहीं सुधर सकती और ना ही वो सुधर सकता है, तू प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत कर, अगर तुझसे बात नहीं होती है तो मुझे मौका दे, मैं बात करती हूँ उससे, तू हम किसी को बात भी नहीं करने देती। मैंने उसे कहा नहीं आज मैं उससे बात कर रहूँगी, तुम टेंशन मत लो।
मैंने अपना फ़ोन उठाया और फ़ोन मिला दिया। मैंने फ़ोन पे बस उसे यही कहा, मोहित। वो आगे से रोने लग गया, गिड़गिड़ाने लगा। मैंने उसे कहा कि मैं अपनी फ्रेंड के घर हूँ, तुम टेंशन मत लो। उसने मुझसे कहा कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे को लेने, प्लीज़ मैं मानता हूँ मेरी गलतियाँ हैं। उसने हज़ारों बातें गिना दी, हज़ारों बार माफ़ी भी मांग ली। लेकिन पता है क्या, ज़िंदगी में हर बात की माफ़ी जो होती है ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। कभी कभी हमें लगता है कि हम किसी को चोट पहुंचाकर बाद में माफ़ी मांग लेंगे तो वो इंसान हमारे साथ सेम वैसा हो जाएगा। हर बार ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हमारे दिल के अंदर जो चीज़ें चुप जाती हैं उनको निकालना बेहद मुश्किल होता है। तो मेरे साथ भी यही हो रहा था। मैंने उसे कहा, देखो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी और ना ही कर पाऊँगी। वो कहता है कि प्लीज़ मुझे एक मौका दो। अगले ही पल घर की घंटी बजती है। मुझे पता था कि ये मोहित ही होगा। मैंने गेट खोला, वो मेरे पैरों में पड़ गया। उसके हाथ में इतने सारे गुलाब थे और उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए लाऊं। मैंने उसे बस एक ही बात की, देखो ज़िंदगी जो है ना वो बहुत आसान है और बहुत मुश्किल भी है, और ये हम चुनते हैं कि हम ज़िंदगी को आसान रास्ते पर लेकर जा रहे हैं या हम ज़िंदगी को मुश्किलात में डाल रहे हैं। और तुमने मेरी ज़िंदगी को मुश्किलात में डाल दिया है, मैं अब तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकती। उसने सिर्फ इतना ही कहा, तुम जो कहोगी जैसे कहोगी मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, तुम प्लीज़ मेरे साथ चलो। मेरे पास मौका था, मैंने उसे सिर्फ इतना कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ डॉक्टर के पास जाना होगा। आई नो मोहित, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत स्वीट हो, सब कुछ है, लेकिन तुम मानो या ना मानो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। वो एकदम से भड़कना चाहता था लेकिन अंदर ही अंदर पी गया। उसे लगा कि शायद इस टाइम ये बात कहना उचित नहीं है। उसने मेरी बात मानी, उसने मुझे कहा कि चलो अभी चलते हैं। हम दोनों डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने उसको देखकर, उसकी बातों को महसूस कर पाया कि यस देयर इज़ अ मेंटल प्रॉब्लम इन हिम। उसके अंदर कुछ मानसिक प्रॉब्लम्स थी, तो डॉक्टर ने उसे बताया। लेकिन हाँ, उसकी ये बात थी कि उसने बड़े प्यार से समझा। उसने कहा कि मैं जानबूझकर नहीं करता हूँ, मैं जानबूझकर अपनी वाइफ पे हाथ नहीं उठाता हूँ, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं, मेरा माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि मैं उस पे हाथ उठाने लगता हूँ। लेकिन खैर, आज वो डॉक्टर पास गया, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। हम दोनों घर वापस आए, अच्छा खाना खाया और उसने दवाई शुरू कर दी। मेरे लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो कभी कभी ज़िंदगी में आप अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों को बताते नहीं हो। बताना भी चाहिए, लोगों को समझना भी चाहिए। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम अलग हो जाते हैं, कि ये इंसान मुझे मारता है या मेरे साथ गाली गलौज करता है, लेकिन उसकी मेंटल प्रॉब्लम को भी समझो। ज़रूरी नहीं हर इंसान का नेचर ऐसा हो, कई बार वो कोई ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा होता है। बस यही थी मेरी कहानी। Coming soon. हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री की सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए हरियाणा म्यूजिक।